हेलो दोस्तों, आज मैंने शॉपसी जो वो मीशो का ही अपडेट है तो उससे मैंने ये एक कोरियर मंगवाया है। ये कोरियर में मैंने उनसे बैठे बैठे ही मैंने देखा तो मुझे थोड़ा सस्ता लगा तो मैंने ये ग्लू गन मंगवाई है। इसमें मुझे उन्होंने ग्लू गन भेजी है तो देखते हैं कैसी ये ग्लू गन है। तो बात ऐसे है कि ये मुझे बहुत सस्ता मिल रहा था, मैं मार्केट से पहले पता किया था तो वो 200-300 का मिलता है, इस पे मुझे ये 180 रुपये का मिला है। और मैं दिखाता हूँ ये कैसी है, पर ये मिनी ग्लू गन है, जो नॉर्मल ग्लू गन होती है थोड़ी बड़ी होती है इसे, और जो स्टिक होती है इसकी वो भी थोड़ी बड़ी होती है। तो इसमें मुझे जो ग्लू गन मिली है वो थोड़ी छोटी मिली है और उसमें स्टिक भी देखो आधी इंची वाले आई थिंक वो एक आधी इंची होंगी। ये कुछ सूत है बहुत छोटे पतले वाले हैं इसमें, ये जो आपको मिला हुआ है ये स्टैंड होता है इसका, गिरे ना जहाँ नीचे ना लगे, इसको आप ऐसे फिक्स कर लेना है आपने, ऐसे आप उसको खड़ा कर सकते हैं किसी जगह पे। और अब इसको चला के देखते हैं कि ये चलती भी है या बस एक डेम्बो पीस है। मैं इसको पावर ऑन करता हूँ इसकी और देखते हैं ये कितने देर में गर्म होती है। वो इसका मेन जो मेन प्रोसेस है वो तो हीट कितनी देर में होती है वो ही देखना है, और ऐसा ना हो कि हम इसको हीट ही ना हो जहाँ चले ना कोई फ़ायदा ना हो ना, ऐसा काम हमारे काम ही ना आए तो फिर मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि इतना सस्ता ले रहे हैं हम तो कुछ ना कुछ काम तो आना चाहिए इसका। हल्का हल्का तो ये हीट हो चुका है, ग्लूकोन डाल के मैं चेक करता हूँ ये कितना हीट हो चुका है या नहीं हुआ है। अब मैं ग्लूकोन डाल दिया है इसमें, हल्का हल्का प्रेस करना है, ज़्यादा नहीं प्रेस करना है क्योंकि ज़्यादा प्रेस करोगे तो उस पे प्रेशर पड़ेगा। अभी हीट होने के में थोड़ा समय तो लगता ही है, जब हीट होना शुरू हो जाएगा तो हल्की हल्की आगे आपकी जो स्टिक है वो आगे आगे होने शुरू हो जाएगी। ये देखो मैं हल्का हल्का कर रहा हूँ उसको, बिल्कुल जल्दी नहीं करना है, आराम से करते जाओ। ये देखिए हमारी स्टिक काम करने लगी है ग्लू गन हमारी। तो चलो फिर भी चलो, जितने पैसे में ये मैंने ख़रीदा है उसका पैसा वसूल तो है ही। आप भी ख़रीदना चाहते हैं तो ये शॉप से जो नया अपडेट है मीशो का वहाँ से आप खरीद सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।